गर्मी दे विच पारा 45 डिग्री तो उपर जा चुका है। इस दे नाल इंसान तक ही सगो पंछी भी इस तो बेहाल हो रहे ने। पठानकोट वासियां दी जे गल करिए तां पठानकोट लोक हुण इस मुहिम दे विच जुट गए ने कि उन्हां ने वातावरण दे नाल नाल पंछियां नूं भी बचाउणा है, जिस दे चलदे उन्हां ने पंछियां दे लई घोंसले बनाउणे शुरू कर दित्ते ने अते उस दे विच पानी अते खाण पीण दा समान रख रहे ने तां जो गर्मी तो परेशान हो के पंछी इत्थे आराम कर सकन अते कुछ खा पी सकन। इह पठानकोट वासियां दे वल्लों इक अनोखी पहल कीती जा रही है अते इस पहल तो सारिआं नूं संदेश लैणा चाहीदा है। मैं तो पॉजिटिवली इसके बारे में सोचता हूँ कि भाई हमें इनके लिए भी है ना काम करना चाहिए। जो जो पक्षी हैं, जानवर हैं, इनके लिए हमें हमेशा इनके लिए कुछ ना कुछ है ना इनके वेलफेयर के लिए करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं रिसेंटली अभी देहरादून गया था, जिनके जहाँ ठहरा था वो सुबह 5 बजे उठते हैं और मॉर्निंग में ऊपर जाके पानी और दाना पक्षियों के लिए जाते हैं। कहते हैं जिस दिन मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ तो ची 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 की आवाज़ शुरू हो जाती है। कहता है मुझे कुछ भी हो लेकिन मैं 5 बजे इनके लिए उठता हूँ। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है और हर इंसान को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पक्षी हमारी जीवन का एक हिस्सा है। आज से कुछ साल पहले हम बात देखते थे मोबाइलों के टावरों की वजह से हमें चिड़ियों की आवाज़ सुननी बंद हो गई थी, हमें कोई चिड़िया नज़र नहीं आती थी। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, जो टावर थे उनकी हाइट कम की गई, रेंज कम की गई, पक्षी अब हमें दोबारा नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये हमारी दिनचर्या का एक अच्छा हिस्सा है, हमें इनको बचाने के लिए पूरी पहल करनी चाहिए। मैं अपने घर में खुद सुबह उठ के इनके लिए पानी भर के रखता हूँ ताकि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। मेरी यही कोशिश है कि सभी लोग इस तरफ अपना हाथ बटाएं और इनको बचाएं ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। मेरा कहना है कि क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज की सोसाइटी और बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है मेन जिनके कारण बर्ड्स एक्सटेंट हो रहे हैं। क्योंकि हम यूथ हैं इंडिया का और हमें मेरा कहना है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनानी चाहिए जिससे बर्ड्स की एक्सटेंशन कम हो। घर पर जो हमें पानी रखना चाहिए बर्ड्स के लिए, और मैं आज प्लेज लेती हूँ कि हाँ मैं रोज़ ये करूँगी और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाऊँगी, कोई पेड़ नहीं कटने दूँगी अगर मेरे सामने कुछ ऐसा होगा। और मैं अपील करती हूँ सबसे कि ये अच्छा स्टेप उठाएं क्योंकि ये एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएगा एंड बर्ड्स को सेव करेगा। पठानकोट तो लवप्रीत सिंह की स्पेशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।